गोरखपुर में बाइक सवार युवकों ने रिक्शा चालक से धमकी देकर 50 किलो प्याज लूट लिए। गोरखपुर शहर के अलदादपुर तिराहे पर बाइक सवार युवकों ने रिक्शा चालक को धमकी देकर 50 किलो प्याज लूट लिए। वारदात के बाद प्याज की बोरी लेकर आरोपी पांडे हाथा की तरफ फरार हो गए। राजघाट पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। मंडी से लेकर आ रहे थे प्याज। रहमत नगर निवासी फिरोज अहमद राइन आलू प्याज के थोक व्यापारी है। महेवा मंडी में उनकी दुकान है। कुशीनगर तमकुही के जगदीशपुरी का रहने वाला यमुना उनकी दुकान पर काम करता है। रविवार की दोपहर 1 बजे यमुना दुकान से रिक्शा पर 7 बोरी प्याज लेकर गोल घर के एक होटल में आ रहे थे। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। अहलदादपुर तिराहे के पास बाइक सवार में 2 युवकों ने रिक्शा रोक लिया। यमुना को जान से मारने की धमकी देकर 1 बोरी प्याज 50 किलो लेकर पांडे हाथा की तरफ फरार हो गए। यमुना के शोर मचाने पर जुटे आसपास के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम में दी फिरोज अहमद की तहरीर पर राजघाट पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज की। एसपी सिटी डॉक्टर कस्तुम ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से युवकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।